जिंदा बस ए दीजो अगले जन्म अगले जो कोठड़ी में लड़की है वो पैदा करेगी। ये जिम्मेदारी तुम्हें पूरी करनी। और अगर शेखर नहीं माना तो लड़की को कलकत्ते भेज दूंगा। वहां सोना काची में उसे 100-100 शेखर मिलेंगे नोचने का खातिर। का कथा पुराना चल रहा है का नीचे बुढ़ऊ पगलाया गया है का? दुनिया हमसे क्या पूछ रहे हैं आप? हमको कुछ नहीं पता। ये हवेली के मालिक हैं, आपके बाबूजी हैं, आपको पता होना चाहिए ना। बहू ना ही है मेरी हवेली की। अरे हमार जमुनिया नाराज है का? नीचे वो बुढ़ा लोहा सिंह और ऊपर तुम सवेरे सवेरे मिलके दिन बर्बाद कर दिए हमारे। अब इन जाके खबर लेते हैं बुढ़े। क्या हुआ? इतना जोर जोर से का है बुलाने? का चाहिए? कहीं काम है अब जरूरी। क्या हो गया है? अरे हम आपकी तरह आनर नहीं है, देख सकते हैं सुन सकते हैं सही सलामत। गला फाड़ने का कोई जरूरत नहीं है, चिट्ठिया काहे ले रहे हैं? हमको तुझसे बात करनी है, बहुत जरूरी, अभी इसी वक्त। क्या बात है बोलिए। बबुआ गुमसुकी को लेके हम बहुत परेशान हैं और हम अच्छी तरीके से जानता हूँ, पता है हमारा बबुआ कहाँ। हम चाहता हूँ कि तू हमको बताए कि हमारा बबुआ कहाँ। सुबह सुबह काहे लिए भाषण शुरू कर दिए? अपाहिज हो गया हूँ, आंख से गया हूँ। माफ कहा है? क्या जबान पीली है? वजह हम बताता हूं। मन में भय बैठ गया है कि रणविजय और तुझसे तेरा राजपाट छीन लिया जाएगा। ये सब फालतू का बात करके हमारा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है बाबूजी, बताए दे रहे हैं। कौनो जासूस नहीं है हम जो ये सब करेंगे चोचला। हमको नहीं मालूम है शेखर तो नहीं मालूम है। हमारी सारी जायदाद अभी लिख के देता हूँ। क्या बोले? दोबारा बोलो। तू अपने कानों से सुना वही बोल। आज हम तुझसे एक सौदा करते हैं। बस ये बता दो कि शेखरवा कहां है। साफ साफ बताओ बाबूजी, क्या चाहते? पहली शरत, हमारे पुतवा को कानूनी तौर से
गोद लेगा और जिंदगी में उसे कभी तकलीफ नहीं आनी चाहिए। शरत नंबर दो, हमारा बबुआ कहाँ है अभिन का अभिन बताएगा। हमारे पास टाउन प्रॉपर्टी है, हवेली, खेत, खलियान, जेवर सब तेरे नाम लिखता हूँ, अभिन का अभिन। बोल सौदा मंजूर। जिस वक्त हम कागज पे अंगूठा लगाऊंगा उसी वक्त तुझे बताना पड़ेगा हमारा बबुआ कहां है। इलेवन फटाफट। ये अंगूठा लगा के आप अपना सब कुछ खो चुके, सब कुछ। अपना जमीन, अपना जायदाद, अपना हवेली, अपना ताकत, अपना रावण राज, सब कुछ। आज के बाद ये हवेली पे सिर्फ और सिर्फ हमारा राज चलेगा। ठाकुर रणविजय सिंह का। ए रणविजय, हमने अपना वचन पूरा किया, अब तो अपनी बात रख। ये लो अपना बबुआ संभालो। जमनी, धीरे धीरे करके सारे सपने पूरे होते जा रहे हैं हमारे। बहुत खुश है रे। ए रानी साहब, इतने खुशी के मौके पे इतना गुस्सा कह लिए। आपको तो ज्यादा चाहिए थी ना, वो आपको मिल गई, आप तो खुश है, बाकी हमको कम ही। तुम्हारा पूरा ख्याल है जमनिया। ए जा,
अभिन अभिन हमें राजपाठ मिला है, हमारा दिल हमारा मन खुशी के मारे जगमगा रहा है। इसी मौका पर अपने खूबसूरत चेहरा का ललिया काला मत पड़ने दे। चाहती का हमरी कलेजे की आग को समझने की कोशिश करिए छुटकी ठाकुर, हम आपकी बीवी बनना चाहते थे, आपके साथ शादी करके ही हवेली की ठकुराइन कहलाना चाहते थे, पर ऐसे कुछ नहीं, हम तो ये हवेली में एगो खरपतवार जैसे बन के रह गए, सब के सब लिखवा को बहु बहु कहते रहते हैं, और उलाली उसको तो सब लोग शीतला मैया बनाते हैं, कहते रहते हैं कि रेखवा पर लाली की परछाई पड़ गई, बड़के ठाकुर जब देखो तब बस रेखवा रेखवा करते रहते हैं। देखिए छुटके हमसे सब सहा नहीं जा रहा है, हमर माई आपके लिए का कुछ नहीं की, और अब तो अभी हवेली के मालिक बन गए, पर हमको का मिला, आज हमारी माई जेल की हवा खा रही है, और हम अपनी जगह बनाने के लिए एक झुंड से अलग हुई चिड़िया की तरह भटक रहे हैं। का मालकिन बनना चाहती हूँ ना? हाँ छुटकी ठाकुर। हाँ छुटकी ठाकुर, अब हमको कहाँ ले जा रहे? तू ही कह रही थी ना जमनी, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं किए, आ तुम्हें दिखाते हैं हम क्या कर सकते हैं। बंद रोबना, अरे बसेसरा लोचन कहाँ मर गए सबके सब, कहाँ थे? अच्छा सुनो, आज जो हम कहने जा रहे हैं वो दिमाग में गांठ बैठा लो, बता दे रहे हैं आज के बाद ही जमुनिया ठकुराइन है। और ये रेखा पेखा ससुरी कुछ नहीं है यहाँ पे, समझे? सिर्फ और सिर्फ एकरा हुकुम चलेगा यहाँ पे हवेली मां। हवेली की मालकिन कौन? जमुनिया का मालकिन। दबाओ। खुश? नहीं, ये नौकर लोगों को बताने का क्या फायदा? जी को बताना जरूरी है, ओ को बताइए। अरे पगली, जौन लोग यहाँ हैं वह ही बात समझ जाए तो अच्छा है ना, वरना बाद में खाम खाम को कहेंगे कि खराब है। और बाकी फौज सब ससुरी यहाँ आएगी तब ओकरे से भी कह देंगे टंका की चोट पे कि जमुनिया ही यहाँ की मालकिन है, मालकिन, समझी? हम ही घर की मालकिन है, इसलिए आज के बाद बगुना को हम संभालेंगे। ना जमुनी, तुमको जो कहना है जो करना है हमरे साथ करो, बाकी हम तुमको बगुना को नहीं ले जाने दे सकते। समझ में नहीं आया अब इन अपन का कहे हम, हाँ पहरी है
जमुनिया यहाँ की मालकिन है, जौन चाहेगी वो करेगी। समझे में नहीं आया तो अभी समझाए, वो हाल करेंगे तुम्हार, ना देखने लायक रहोगी ना बोलने के लायक। बता दे रहे, टेट हुआ दबा दूंगा। एक रखवाली कर रही थी, एक रिक कर रखवाली। लाली, कहाँ हो तुम लाली? हमको हमारी लाली से मिलना है। भाई साहब, ए भाई साहब, ए भाई साहब, ए देखो ना पीछे लाली बाहर होगी, उसको बोलो छोटे ठाकुर से मिले अपने, उसको हमारे पास उसका कंगन, उसको बोलो ना आके लेके जाएगी अपने कंगन। तुमको पता लाली का है? तुमको पता है लाली कहाँ है? हाँ, जाओ लेके आओ ना उसको, बाहर है, उसको बोलो अंदर छोटा ठाकुर बुला रहे हैं, जाओ जाओ जाओ। ए शिखरवा, हम कहा शांत हो जा, शांत हो जा मेरा शेर, सब ठीक हो जाएगा। कहो, कोई मना किया हमसे मिलाने को? कोई मना किया है? तब बोल क्या नहीं रही हो? पागल हो गए सब, यहां पर जाके लेके क्यों नहीं आती तुम? समझ भी नहीं आ रही तुम्हारी लाल, ये छोड़। इसको पता लाली कहाँ है, इसको पता है। लेके आओ लाली को, लेके आओ जल्दी, बोलो छोटे ठाकुर ने तो चार का उसके कंगन है हमारे पास, पहनेगी तभी तो जाएगी ना, ऐसे कैसे? छोड़, छोड़ दो उसको, कहाँ ले जाए? अरे हमको अपनी लाली से कोई मिलने क्यों नहीं दे रहा? बन गई आज हो।
समा।